नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल वे ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। आरआरबी एनटीपीसी का ध्यान दीजिएगा, आरआरबी एनटीपीसी का आज लास्ट दिन यानी 31 मार्च आज लास्ट दिन दोस्तों फॉर्म फिल करने का है। तो दोस्तों आज जो है रात्रि के नौ बजे तक किस जोन में कितना फॉर्म फिल हुआ है पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ इस वीडियो में देखेंगे। साथ में दोस्तों इस वीडियो में और भी डिस्कस करेंगे कि किस जोन में कितना पर सीट पे कितना स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, प्रीवियस कट ऑफ क्या रहा था दोस्तों, और टोटल वैकेंसी कितना आया है। एक बार और बता देना चाहता हूं, इस चैनल पे देख सकते हैं लगातार एनटीपीसी का क्लासेस कंटिन्यू चल रहा है दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील किया जा रहा है जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगा। जो सीरियस स्टूडेंट है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, अगर एनटीपीसी का अच्छे तरीके से तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि घंटी का बेल आइकन ऑन रहेगा तभी चैनल पर जितने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर किसी को यह जानकारी पता चले दोस्तों कि जिस जोन में उसने अपने फॉर्म भरा है उस जोन में कितना कंपटीशन है, कितना फॉर्म फिल अब तक हो चुके हैं। चलिए दोस्तों पूरा डिटेल में एनालिसिस करूंगा। सबसे पहले आता है दोस्तों आरआरबी अहमदाबाद। एक बार मैं फिर से आपको दोहरा देना चाहता हूं कि ये दोस्तों एनालिसिस में आपके सामने डाटा लेकर के आया हूं जो कि मेन सोर्स साइबर कैफे के द्वारा डाटा एनालिसिस करके लाया हूं दोस्तों। और ये जो है आज का कुछ डाटा, ज्यादा से ज्यादा आज तक का डाटा है और कुछ डाटा कल इवनिंग का है, क्योंकि दोस्तों लास्ट के टाइम में जो है साइट बहुत बिजी होने के कारण कोई कोई बोर्ड में है जो ओटीपी का प्रॉब्लम हो रहा था, कोई बोर्ड में ईमेल पे ओटीपी नहीं आ रहा था, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। यानी सभी जोन का एनालिसिस एक ऑन एन एवरेज आपको पता चल जाएगा किस जोन में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी अहमदाबाद, ध्यान दीजिएगा आरआरबी अहमदाबाद में दोस्तों इस बार जो वैकेंसी आया है 1024 वैकेंसी आया है और यहां पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है दोस्तों 5,33,840। ध्यान दीजिएगा 5,33,840 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आप लोग रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो 10 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा दोस्तों। फर्स्ट का 3 डिजिट उस बोर्ड का कोड होता है, बाकी का जो होता है दोस्तों उसमें कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है उस जोन में वो चीज को शो करता है दोस्तों। यहाँ पे मैं पर सीट पे कितना स्टूडेंट फाइट करें मैं बता देना चाहता हूँ, 521 स्टूडेंट यहाँ पर सीट पे फाइट कर रहे हैं जो कि सभी से ज्यादा इस वर्ष यहाँ पे ज्यादा फॉर्म फिलअप हो गया है दोस्तों एज कंपेयर टू वैकेंसी के अनुसार से। प्रीवियस कट ऑफ की बात करते हैं, वर्ष 2015 में जो वैकेंसी आया था तो वहां पे जनरल का कट ऑफ गया था 72.86, ओबीसी का 64.91 गया था, एनएससी का 57 एंड एसटी का 48 गया था प्रीवियस कट ऑफ। बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट जोन की, तो नेक्स्ट जोन आपके सामने आता है आरआरबी अजमेर। ध्यान दीजिएगा आरआरबी अजमेर में दोस्तों इस वर्ष जो वैकेंसी आया है 1773 वैकेंसी आया है, ध्यान दीजिएगा 1773 वैकेंसी आया है। और यहां पे बात करता हूं दोस्तों इस पर रजिस्ट्रेशन कितना हो गया है, 7,95,709 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं दोस्तों यहां पे इस बोर्ड में। और पर स्टूडेंट यहां पर सीट पे कितना फाइट कर रहे हैं, 448 स्टूडेंट पर सीट पे फाइट कर रहे हैं दोस्तों। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि यहां पे दोस्तों सभी बोर्ड में लगभग 5 से 10% फेक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अपने चेक करके भी जो है वहां पे रजिस्ट्रेशन किए हैं। इसी वजह से दोस्तों मेन जो कंसिडर किया जाएगा वो जिसका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों वही जो है मेन कंसिडर किया जाएगा। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो अति जो ये वहां पे किस जोन में कितना फाइट कर रहे पर स्टूडेंट, तो जितना फॉर्म फिलअप हो गया है और जितना आपका वहां पे वैकेंसी आया है दोनों का डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कंपटीशन पर सीट पे कितना चल रहा है। ठीक है दोस्तों, बात करता हूं वहां पे, वैसे तो मैं सभी जोन का यहाँ पे आपको सामने शो कर दिया हूं, जिससे आपको एक एनालिसिस भी पता चल जाए कि उस जोन में कितना कॉम्पिटिशन चल रहा है दोस्तों। प्रीवियस कट ऑफ की बात करता हूं तो जनरल का कट ऑफ गया था इस बोर्ड में अजमेर बोर्ड में 77 गया था, ओबीसी का 70 गया था, एससी का 62 एंड एसटी का 59.74 गया था। नेक्स्ट जोन आता है आपके सामने दोस्तों आरआरबी इलाहाबाद, जो कि सबसे हाईलाइटेड जोन और सबसे ज्यादा सीट यहीं पे आया है दोस्तों। यहां पे वैकेंसी की बात करता हूं तो 4,099 वैकेंसी यहां पे आया है, लगभग 4,100 वैकेंसी है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो 16 लाख, ध्यान दीजिएगा 16,40,589 रजिस्ट्रेशन यहां पे हो चुके हैं।
आज लास्ट डेट है 31/3 तक का ये डाटा है, रात्रि के 9 बजे तक। वैसे मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, यहां पे कंपटीशन की बात करते हैं, 401 सीट पे स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। प्रीवियस कट ऑफ की बात करते हैं दोस्तों, तो 77.49 जनरल का गया था, ओबीसी का 70.47 गया था, एससी का 62 गया था, एसटी का 47 गया था। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सभी जोन का एनालिसिस इस वीडियो में कराया जा रहा है, आपको ऑन एंड एवरेज पता चल जाएगा कि किस जोन में कितना कंपटीशन चल रहा है। वैसे मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, कंपटीशन से कोई मतलब नहीं रहता है, आप लोग बस कंटिन्यू मेहनत कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, लगातार इस चैनल पे आप लोग को एनटीपीसी का अच्छे लेवल का प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, तो अच्छे तरीके से डेली वीडियो को देखा कीजिए ताकि किसी तरह का टेंशन ना होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जोन की बात करता हूँ, नेक्स्ट जोन आपके सामने आता है अरारी बंगलुरु। दोस्तों अरारी बंगलुरु की बात करता हूँ तो यहाँ पे 2470 वैकेंसी आया है दोस्तों इस वर्ष। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात करता हूँ, 8,63,385 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 8,63,385 रजिस्ट्रेशन दोस्तों। कंपटीशन की बात करता हूँ, 349 स्टूडेंट पर सीट पे फाइट कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब प्रीवियस कट ऑफ यहाँ पे कितना गया था, 64.97 गया था दोस्तों, ओबीसी का 57.28 गया था, एससी का 30 एंड एसटी का 29 गया था। दोस्तों यहां पे मैं बता देना चाहता हूं, 15 में वैकेंसी आया था, 16 में एग्जाम हुआ था दोस्तों, तो इस उस वर्ष जो है इतना कट ऑफ गया था। सभी कट ऑफ सीबीटी 1 का कट ऑफ है और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है। नेक्स्ट जोन आपके सामने आता है वो है दोस्तों आरआरबी का भोपाल जोन। ध्यान दीजिएगा, आरआरबी का भोपाल जोन है दोस्तों, इसमें जो है 997 इस वर्ष वैकेंसी आया है। रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, 4,60,997 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पे कंपटीशन की बात करते हैं, पर सीट पे दोस्तों 462 स्टूडेंट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे कट ऑफ की बात करते हैं, ओबीसी का गया था, सॉरी जनरल का गया था 72.9 गया था, ओबीसी का 66 गया था, एससी का 58 एंड एसटी का 51 गया था, वर्ष 2016 का कट ऑफ ये है। नेक्स्ट जोन आपके सामने आता है दोस्तों आरआरबी का भुवनेश्वर जोन। आरआरबी भुवनेश्वर जोन में दोस्तों यहाँ पे 498 वैकेंसी आया है, एंड रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, 216,289 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 216,289 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं दोस्तों। कंपटीशन की बात करते हैं, पर सीट पे 434 स्टूडेंट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। प्रीवियस कट ऑफ की देखते हैं तो 71.91 जनरल का कट ऑफ गया था, ओबीसी का 65.76 गया था, एंड एससी का 53.9 गया था, एंड एसटी का 48.79 गया था। दोस्तों यहां पे ऑन एंड एवरेज सही कट ऑफ गया था दोस्तों ओबीसी का। नेक्स्ट जोन आता है आरआरबी का चंडीगढ़ बोर्ड। ध्यान दीजिएगा, चंडीगढ़ बोर्ड में दोस्तों 2483 वैकेंसी इस वर्ष आया है। रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो 10,33,896 रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुके हैं पर स्टूडेंट। यहाँ पे कंपटीशन की बात करते हैं तो 416 स्टूडेंट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। कट ऑफ की बात करते हैं दोस्तों, वर्ष 2015 में सबसे ज्यादा कट ऑफ गया था। कट ऑफ जाने का वजह ये था दोस्तों, क्योंकि उस वर्ष जो है वैकेंसी बहुत कम आया था और स्टूडेंट काफी संख्या में वहां पे फिल कर दिए थे। जनरल का कट ऑफ देखे थे दोस्तों, 82.27 गया था, ओबीसी का 71 गया था, एससी का 71.87 एंड एसटी का 46.71 गया था। नेक्स्ट जोन आपके सामने आता है दोस्तों आरआरबी का चेन्नई बोर्ड। ध्यान दीजिएगा, आरआरबी का चेन्नई बोर्ड में इस वर्ष वैकेंसी आया है, 2694 वैकेंसी आया है दोस्तों, एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 8,20,000, ध्यान दीजिएगा 8,20,689 यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं पर सीट दोस्तों। यहाँ पे पर एक सीट पे कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, 304 स्टूडेंट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ऑन एंड एवरेज सेफ जोन अभी भी माना जाएगा। और यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की, प्रीवियस कट ऑफ की 72.14 कट ऑफ गया था जनरल वालों को, और ओबीसी का 69.11 गया था, एंड एससी वालों को 57 एंड एसटी वाला का 46.84 गया था। दोस्तों यहाँ पे जो है लास्ट में साइट बहुत ही बिजी होने की वजह से दोस्तों कहीं कहीं ओटीपी में बड़ी प्रॉब्लम चल रहा था, ओटीपी में किसी किसी बोर्ड में दोस्तों ओटीपी कहीं कहीं मोबाइल पे आ रहा था तो ईमेल पे नहीं आ रहा था, ईमेल पे आ रहा था तो मोबाइल पे नहीं आ रहा था, ऐसा प्रॉब्लम दिखने को मिल रहा था। कहीं कहीं बोर्ड में ट्रांजेक्शन का भी जो है प्रॉब्लम आ रहा था। और मैं बात करता हूँ दोस्तों ईमेल में जो आता है मेल, तो वहां पे स्पैम एक फोल्डर होता है दोस्तों ईमेल आईडी में, स्पैम में भी मैसेज आरआरबी के द्वारा ओटीपी वहीं पे ज्यादा जनरली जाता है, तो वहां भी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट जोन आता है आपके सामने दोस्तों, वहां पे
आरआरबी का गुवाहाटी जोन, ध्यान दीजिएगा आरआरबी का गुवाहाटी जोन में दोस्तों 31 दिन यानी आज लास्ट डेट तक यहाँ पे कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 851 रजिस्ट्रेशन हो चुके, सॉरी 851 वैकेंसी आया है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं 335,869 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, एक सीट पे 394 स्टूडेंट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं दोस्तों। प्रीवियस कट ऑफ की बात करते 66.44 गया था जनरल वालों का, ओबीसी का बात करते हैं 57 गया था, एनएससी का 52 गया था, एनएसटी का 52.91 गया था। और ये आंकड़ा दोस्तों कल इवनिंग का है, ध्यान दीजिएगा ये आंकड़ा कल इवनिंग का है, इस आज का डाटा ये नहीं मुझे मिल पाया था। नेक्स्ट जोन है दोस्तों आपके सामने, नेक्स्ट जोन है आरआरबी का गोरखपुर जोन, ध्यान दीजिएगा आरआरबी का गोरखपुर जोन में दोस्तों इस वर्ष जो वैकेंसी आया है 1298 वैकेंसी आया है। रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं 405,258, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 405,258 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और यहाँ पे वैकेंसी की कट ऑफ की बात करते हैं, यहाँ पर सीट पे कितना स्टूडेंट फाइट कर रहे थे, 312 स्टूडेंट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं, जो कि कंपटीशन यहाँ भी काफी ज्यादा चला गया दोस्तों। जनरल की बात करते हैं कट ऑफ बहुत ही गया था, 77.44 गया था, ओबीसी का 69.1 गया था, एससी का 56.63 गया था, एसटी का 47.67 गया था। नेक्स्ट जोन आपके सामने आता है, ध्यान दीजिएगा आरआरबी का जम्मू बोर्ड, ध्यान दीजिएगा दोस्तों आरआरबी का जम्मू बोर्ड में 898 वैकेंसी इस वर्ष आया है। रजिस्ट्रेशन की बात करते 220,337 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं यहाँ पे दोस्तों। एंड कंपटीशन की बात करते हैं, एक सीट पे 245 स्टूडेंट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। प्रीवियस कट ऑफ की बात करते तो जनरल का 68.72 गया था, ओबीसी का 50.88 गया था, एंड एससी का 52.27 गया था। एंड एसटी का बात करते हैं दोस्तों तो एसटी का 38.05 प्रीवियस कट ऑफ वर्ष 2016 में गया था। नेक्स्ट जोन आपके सामने आता है, वीडियो को अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो देखने से आपको ऑन एन एवरेज पता चल जाएगा कि किस जिस जोन में आपने फॉर्म फिल किया है उस जोन में कितना कंपटीशन, प्रीवियस कट ऑफ कितना गया था, कितना फॉर्म फिल हो गए हैं, पूरा एनालिसिस आपको पता चल जाएगा। उसी तरह से आपको प्रिपरेशन में मेहनत भी करना है दोस्तों, क्योंकि इस वर्ष मेहनत सबसे ज्यादा करना है, क्योंकि कंपटीशन देख सकते कट ऑफ का लेवल बहुत ही हाई जा रहा है। ग्रुप डी का कट ऑफ आपके सामने आया है दोस्तों, कितना कट ऑफ चला गया है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन दिला सकता है तो आपको मेहनत, और मेहनत के लिए घबराइए नहीं, मेहनत जरूर कीजिए। इस चैनल पे स्टडी मटेरियल अच्छे लेवल का दिया भी जा रहा है, स्पेशली एनटीपीसी का, और जल्द ही ग्रुप डी का भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। जो नया स्टूडेंट है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करता हूँ आरआरबी का कोलकाता बोर्ड, कोलकाता बोर्ड में दोस्तों 2449 वैकेंसी इस वर्ष आया है। रजिस्ट्रेशन की बात करते 830,879 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं दोस्तों। एंड बात करता हूँ यहाँ पे पर स्टूडेंट कितना फाइट कर रहे हैं पर सीट पे, तो यहाँ पे 281 स्टूडेंट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। प्रीवियस कट ऑफ की बात करता हूँ दोस्तों, प्रीवियस कट ऑफ 79.5 गया था, ओबीसी का 71.53 गया था, एससी का 67.07 गया था, एसटी का 52.92 गया था। दोस्तों यहाँ पे फॉर्म वैसे सीट के हिसाब से कम फिल हुए हैं, रीजन दोस्तों क्योंकि प्रीवियस कट ऑफ बहुत ही ज्यादा चला गया था देख सकते हैं इसी वजह से दोस्तों, और ग्रुप डी का भी कट ऑफ यहाँ पे ज्यादा गया था इसी वजह से यहाँ पे कम फील हुए फॉरम। वैसे दोस्तों सीट के हिसाब से एक सेफ जोन यहां पे माना जा सकता है। नेक्स्ट जोन आपके सामने आता है आरआरबी का मुंबई जोन, ध्यान दीजिएगा आरआरबी का मुंबई जोन दोस्तों, यहां पे सेकंड नंबर का वैकेंसी था, सबसे ज्यादा इलाहाबाद में था, उसके बाद सेकंड नंबर मुंबई में था। यहां पे दोस्तों 3665 वैकेंसी इस वर्ष आया है एनटीपीसी में। यहां पे रजिस्ट्रेशन की बात करते 11,29,897 रजिस्ट्रेशन रात्रि के 9 बजे तक हो चुके हैं यहां पे। एंड बात करता हूं दोस्तों यहां पर एक सीट पे कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे, कंपटीशन की बात करता हूं 308 स्टूडेंट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। प्रीवियस कट ऑफ की बात करते हैं जनरल का 77.05 गया था, ओबीसी का 70.27 गया था, और एससी का 63.6 गया था, ओबीसी का 70.21 गया था, एसटी का 54.95 गया था आरआरबी मुंबई जोन में।
नेक्स्ट जोन आपके सामने आता है दोस्तों आरआरबी का मुजफ्फरपुर जोन। ध्यान दीजिएगा आरआरबी का मुजफ्फरपुर जोन में दोस्तों 82,809 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं आज के दिन तक, एंड यहाँ पे 329 वैकेंसी है दोस्तों। एंड यहाँ पे कंपटीशन की बात करते हैं 251 स्टूडेंट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। प्रीवियस यहाँ पे कट ऑफ बहुत ही कम गया था दोस्तों, जनरल का देख सकते 57.97 गया था, ओबीसी का 45.57 गया था, सीबीटी वन में दोस्तों आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के सभी कट ऑफ है, एससी का 30.6 गया था, एसटी का 25 गया था। दोस्तों यहां पे कट ऑफ प्रीवियस कम गया था क्योंकि सीट की संख्या काफी कम था। इस वर्ष भी दोस्तों सीट की संख्या उसी के अप्रोक्स में है एंड वैकेंसी की भी उसी के हिसाब से फिल हुआ है। नेक्स्ट जोन आपके सामने आता है आरआरबी का पटना जोन। ध्यान दीजिएगा आरआरबी का पटना जोन में 1039 वैकेंसी इस वर्ष आया है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं 341,598 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं आज के डेट तक, और 328 स्टूडेंट एक सीट पे यहां पे फाइट कर रहे हैं। प्रीवियस कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल का दोस्तों 63 गया था, ओबीसी का 53.57 गया था, एंड एससी का 38.55 गया था दोस्तों, एंड एसटी का 26.69 गया था। यहां भी ऑन एंड एवरेज देखा जाए तो कट ऑफ प्रीवियस बहुत ही अच्छा गया था दोस्तों। नेक्स्ट जोन आपके सामने आता है आरआरबी का रांची बोर्ड। ध्यान दीजिएगा आरआरबी का रांची बोर्ड दोस्तों यहां पे 1386 वैकेंसी आया है इस वर्ष। रजिस्ट्रेशन की बात करते 487,598 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। पर सीट पे कितना स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, 351 स्टूडेंट पर एक सीट पे फाइट कर रहे हैं यहां पे दोस्तों। ओबीसी की बात करते हैं 63.75 यहां पे जनरल का कट ऑफ गया था प्रीवियस, ओबीसी का 57.29 गया था, एससी का 45.48 गया था, एनएसटी का 48.58 गया था। यहां पे भी दोस्तों प्रीवियस कट ऑफ देखा जाए तो ऑन एन एवरेज बहुत ही लो गया था कट ऑफ एज कंपेयर टू अदर बोर्ड दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जोन आपके सामने आता है साउथ का हाइलाइटेड जोन सिकंदराबाद। यहाँ पे थर्ड नंबर का वैकेंसी 3234 वैकेंसी इस वर्ष आया है दोस्तों। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात करते 11,28,739 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। एक सीट पे कितना स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, 349 स्टूडेंट एक सीट पे यहाँ पे भी फाइट कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन अच्छे लेवल का है दोस्तों। एंड यहाँ पे बात करता हूँ जनरल का कट ऑफ प्रीवियस कितना गया था, 77.72 गया था, ओबीसी का 72.87 गया था, एससी का 63.73 गया था, एनएसटी की बात करते हैं 59.13 प्रीवियस कट ऑफ वर्ष 2015 में गया था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद सीबीटी 1 का। नेक्स्ट जोन आपके सामने आता है आरआरबी का दोस्तों सिलीगुड़ी बोर्ड। ध्यान दीजिएगा आरआरबी का सिलीगुड़ी बोर्ड में दोस्तों यहां पे वैकेंसी आया है, 443 वैकेंसी इस वर्ष आया है। एंड यहां पे रजिस्ट्रेशन की बात करता हूं आज का रात्रि का 9 बजे तक दोस्तों 86,594 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यहाँ पे कॉम्पिटिशन की बात करता हूँ 195 स्टूडेंट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। एंड प्रीवियस कट ऑफ देखा जाए दोस्तों तो जनरल का 67.52 गया था, ओबीसी का 56.26 गया था, एनएससी का 54.31 गया था, एनएसटी का 45.9 गया था। ये सभी कट ऑफ सीबीटी 1 का है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद का। नेक्स्ट जोन आपके सामने आता है आरआरबी का दोस्तों तिरुवनंतपुरम दोस्तों आरआरबी का तिरुवनंतपुरम बोर्ड आता है। वहां पे इस वर्ष वैकेंसी आया है 897 वैकेंसी आया है। रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे 262,989 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये सभी रजिस्ट्रेशन दोस्तों सभी डाटा जो है ऑन एन एवरेज है, इसमें 5 से 10,000 प्लस माइनस हो सकता है, 5,000 प्लस भी हो सकता है, 5,000 10,000 माइनस भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों ऑन एन एवरेज ये सब डाटा से आपको पता चल जाएगा कि किस बोर्ड में कितना रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यहाँ पे कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो 293 स्टूडेंट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं लगभग दोस्तों। एंड यहाँ पे बात करते प्रीवियस कट ऑफ का तो 79.75 प्रीवियस कट ऑफ गया था जनरल का, ओबीसी का 75 गया था, एससी का 56.14 गया था, एनएसटी का 36.45 गया था। वर्ष 2015 का ये कट ऑफ है। अब हम लोग दोस्तों सभी जोन का एनालिसिस कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों, क्योंकि इससे आपको एक आंकड़ा एक अप्रोक्स एवरेज पता चल जाएगा कि किस जोन में कितना रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उसी तरीके से आप लोग मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए।
क्योंकि दोस्तों इस वर्ष मेहनत करना है और अच्छे लेवल का स्टडी करना है, क्योंकि इस चैनल पे अच्छे तरीका का स्टडी मटेरियल भी दिया जा रहा है। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे जितने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है स्पेशली एनटीपीसी और भी एग्जाम पर्पज से रिलेटेड, उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को फायदा हो सके। और दोस्तों एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो स्टूडेंट सीरियस है टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम पे भी आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ में प्रोवाइड कराया जाता है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम पे ज्वाइन करके फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।